करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8 या आपकी साइंस की है, इसी के साथ वर्कशीट नंबर 9 आपकी इंग्लिश की भी आई है, तो दोनों का मैं बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। चलिए तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट सब कुछ डाल देंगे, अपना नाम अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, अब क्या लिखा मनीष से, मनीष ने देखा एक क्रेन ऑन अ कंस्ट्रक्शन एरिया हुज एंडिंग पार्ट वॉज कनेक्टेड टू अ हग पीस ऑफ आयरन। उसने देखा, उसने एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ पे कुछ मकान या कुछ भी बन रहा था, वो वहाँ गया, उसने क्या देखा कि एक क्रेन खड़ी है जिसके आखिरी के हिस्से में एक बहुत बड़ा सा लोहे का पीस चिपका हुआ है। ही ऑल्सो नोटिस दैट सम वायर वॉज रैपेड अराउंड ऑन इट। और उसने ये भी नोटिस किया कि जो क्रेन है उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ना कुछ तार भी लिपटे हुए हैं। ठीक, ये उसने नोटिस करा। ही सरप्राइज दैट हाउ अ वर्कर यूज दिस क्रेन टू लिफ्ट वेरी हैवी आयरन लोड विदाउट मैग्नेट। वो ये देख के हैरान हो गया कि ये क्रेन चलाने वाला आदमी इतना भारी वजन बिना मैग्नेट के कैसे उठा सकता है। ही वॉन्ट टू हिज टीचर। अब वो कहाँ गया, ये वो अपने टीचर पास गया एंड हिज टीचर टोल्ड हिम, और उसके टीचर ने उसको बताया दैट वैन एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो थ्रू अ वायर, एक वायर के ज़रिए भेजते हैं, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। यानी अगर हम एक लोहे की चीज़, यानी जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है और वो मैग्नेट की तरफ से बिहेव करने लगता है। अ करंट कैरी कोल ऑफ एन इंस्टॉल्ड वायर रैपिड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि अब हमें क्या करना है, एक ऐसे डंडा वो लेना है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द कोई भी पीस है, उसके आयरन के पीस, उसके चारों तरफ अगर हम थोड़ा सा करंट को भेज देते हैं, जो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके इर्द गिर्द तार लपेट के हम करंट को भेजते हैं, तो उसके अंदर जो है करंट फ्लो होने लगता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज और इंक्रीज बाय डिक्रीज और इंक्रीज इलेक्ट्रिक करंट। और फिर हम इसकी जो क्षमता है कि कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी और या कितनी कम पावरफुल होगी, वो हम कैसे उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बढ़ा और घटा सकते हैं। अब लिखा यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यूज़ टू अ सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल फॉर्म जंक, यानी कि जो जंकीले पदार्थ होते हैं उसके बीच से जो आपके लोहे के सही पदार्थ हैं उनको निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम किया जाता है। ठीक है, सेकंड का लिखा यूज टू डॉक्टर टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉल इन द आइज। यानी कोई भी चीज़ ऐसी जो मैग्नेटिक चीज़ हो, यानी लोहे का कोई मटीरियल टाइप का हो, अगर वो एक्सीडेंटली आँखों में चली जाती है तो डॉक्टर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल करते हैं उसकी आँख से उस चीज़ को, यानी वो जो लोहे का टुकड़ा गया है उसको निकालने के लिए। मैनी टॉय ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट, और बहुत सारे खिलौने ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, यहाँ लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कोल ऑफ वायर। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है एक तार होता है, वुड ऑन अ आयरन पीस, और वो किसके ऊपर होता है, लिपटा हुआ होता है आयरन पीस के ऊपर। द कोयल जो उसकी कॉयल होती है एक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और फिर वो जो उसका कॉयल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगता है, ऐसा लगता है कि ये मैग्नेट है। एन आयरन स्ट्रिप, वो जो लोहे की स्ट्रिप होती है, विद अ हैमर, उसके साथ एक हैमर होता है, एट वन एंड इट्स कीप्ड क्लोज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, उसके एक कोने पर, ये देखिए आप देख रहे हैं ना बेल को किस तरह से, उसके एक कोने पर अब ये इसकी जो है टच करता है बार बार, तभी बेल की आवाज़ आती है। ठीक, दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, और वो आयरन स्ट्रिप के बराबर में एक वो हैमर जो होता है वो लगा हुआ होता है, उससे वो करते हैं। वैन द आयरन स्ट्रिप इज़ अ कनेक्ट विद द स्क्रू, अब वो आयरन की स्ट्रिप जो है वो अगर जो आपका स्क्रू है उससे कनेक्ट हो जाती है तो क्या होगा, करंट फ्लो, यानी जो करंट है वो निकलने लगेगा, थ्रू द कॉयल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वो कॉयल जो सिंपल सी थी वो क्या बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। ठीक है, अब यहाँ पहला आपका क्वेश्चन लिखा है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेट प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज एक्सप्लेन गार्बेज हैप एक्सप्लेन। यानी कि अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या जो आपका कूड़ा कचरा है, ठीक है, उसके अंदर से क्या प्लास्टिक बैग को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर सकती है।
तो कैसे नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये जो प्लास्टिक बैग है ना उसके अंदर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकेगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर यहाँ से लिखेंगे नो, द प्लास्टिक बैग डू नॉट गेट अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते, सो दे कैन नॉट बी सेपरेट बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा निकालकर अलग नहीं किए जाते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। का अगला क्वेश्चन याद दिया गया, व्हाट हैपन, क्या होगा टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को चला रहे हैं और करंट को हम बंद कर दें तो क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। चलिए आंसर यहाँ से लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी अगर करंट का फ्लो होना बंद कर दिया जाए, ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे करंट से ही मिली और अगर करंट बंद कर दिया जाएगा तो वो उसे मैग्नेटिक फील्ड मिलना बंद हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपका लिखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है, तो लिखिए नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ उससे चिपकने लगती है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि जैसे लोहे की चीज़ें, ठीक। क्या बल्ब के किनारे कभी आपने लोहे की चीज़ों को चिपके हुए देखा है? नहीं देखा, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह से नहीं पाई जाती, ठीक। चलिए अब इसके साथ हम लोग इंग्लिश की वर्कशीट को पढ़ लेते हैं। चलिए अब इंग्लिश की वर्कशीट देखते हैं। तो देखिए इसको आप पहले अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, ये इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 9 है, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट डाल देंगे, अपना क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखा है, रीड द गिवन सेंटेंस अलाउड ट्वाइस। अब इन तीन जो ये सेंटेंस आपको दिए गए इनको कम से कम 3 बार पढ़िए जोर जोर से आवाज़ से, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, मनी प्लेज फुटबॉल, ही लिव्स इन अ कॉटेज। अब क्या कह रहे हैं, मनी एक बच्चा है जो कि फुटबॉल खेल रहा है और ये कहाँ रहता है, ये कॉटेज में रहता है, ठीक है। अमू इज़ माई सिस्टर, अमू जो है वो मेरी बहन है, शी इज़ 5 ईयर्स ओल्ड, वो 5 साल की है। धनी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव इन दिल्ली। अब धनी जो है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, और वो दिल्ली में रहता है। तो अब देखें यहाँ ही, शी और ही क्या होता है बच्चों, आप लोग ने नाउन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। नाउन क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंक, यानी किसी भी चीज़ का नाम जो है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ठीक। और अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए हमने मनी लिखा ना, या अमू लिखा, या धनी लिखा, ये तीनों नाम है और ये तीनों आपके नाउन है, ठीक। ये फुटबॉल, ये भी नाउन है, ठीक है, या सिस्टर, ये भी नाउन है, या फ्रेंड, ये भी नाउन है, ठीक। ये दिल्ली, ये भी नाउन है, कॉटेज भी नाउन है, यानी किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी, चाहे वो जगह हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, किसी का भी नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है, यानी नाउन कहलाता है, ठीक। अब देखिए अगर मैं लिखती मनी प्ले फुटबॉल, मनी लिव इन अ कॉटेज, अब मैं 2 बार मनी मनी करती तो क्या होता, ऑड लगता, मतलब बुरा लगता कि देखो ये सेंटेंस को जम नहीं रहा। अब मैंने क्या कहा, मनी फुटबॉल खेल रहा है और वो दिल्ली कॉटेज में रहता है, तो क्या मैंने क्या बोला, वो, वहाँ मनी का नाम नहीं लिया हमने, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। देखिए ये लिखा, एज यू कैन सी द हाईलाइटेड वर्ड आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड स्पिस्ट, यानी क्या बोलते हैं, नाउन की जगह पे नाउन को हटाकर जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन, उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। सो वी कैन से दैट अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंसिस्ट ऑफ अ नाउन, यानी हम ये कह सकते हैं कि नाउन ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो, सॉरी, प्रोनाउन ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जा सके, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए प्रोनाउन के, जैसे नंबर 1 क्या है, आई, फिर क्या है, शी, ही, इट, दे, वी, एक्सेट्रा, यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे, अभी आपको सिर्फ ये बताए गए, आप इसका ख्याल रखेंगे। अब देखिए क्या, आई एम अनु, मैं अनु हूँ, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, मैं 7 साल की हूँ, आई लव टू सिंग, और मुझे गाना पसंद है, इट इज़ अ ब्लू रेडियो, ये ब्लू रेडियो, ओ सॉरी, इट इज़ अ रेडियो, ये रेडियो है, इट इज़ ब्लू, ये ब्लू है, इट इज़ अ गिफ्ट, और ये मुझे गिफ्ट में मिला है, ये गिफ्ट है, ठीक। अब क्या लिखा, दे आर सिस्टर्स, ये दोनों बहनें हैं, दे आर ट्विंस, ये दोनों जुड़वा हैं, दे बोथ लाइक पिंक, और दोनों को ही पिंक कलर पसंद है, ठीक। तो अब आपको समझ में आया कि अपने लिए आई लगाते हैं, किसी दूसरी एक चीज़ के लिए इट लगाते हैं, और वही अगर बहुत सारी चीज़ें हो तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं, दे। सेम इस तरह से अब देखिए, अब मैं बात कर रही हूँ,
इन सबको मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो इसलिए ये खुद अपने आप को नहीं बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे। जैसे कि अब देखिए, राइट ई सेंटेंसेज यूजिंग ही शी इट और दे। अब देखिए, अगर ये बोलेगी तो बोलेगी आई एम अ क्वीन, मैं रानी हूँ, लेकिन इस ये खुद नहीं बोल रही, हम कह रहे हैं ये रानी है, ठीक है। अब देखिए, मैं रानी हूँ, ठीक है, और ये रानी है में फ़र्क है, ठीक है। तो अगर ये बोलेगी कि मैं रानी हूँ तो बोलेगी आई एम अ क्वीन, ठीक है, यानी मैं रानी हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि ये रानी है तो मैं क्या बोलूँगी, शी इज अ क्वीन, यानी ये रानी है। आ रही समझ में आपके बात? तो इस तरह से हम इनको हम कह रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, शी, ऐसे हमें हम ये कहेंगे कि ये राजा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। तो आप यहाँ पे भी ही और इस जगह पे भी ही, एच और ही, ठीक है। अब इसी तरह से ये लिखा तो हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज अ फिश, क्या हो जाएगा ये, इट, आई और टी, इट ऊपर भी और नीचे भी, आई टी इट, इट इज अ फिश। अब ये बहुत सारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, दे, टी एच ई वाई, दे आर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो अब आप इसको दोनों में दे लिखना, आपको टी एच ई वाई दे, टी एच ई वाई दे, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए डक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट, क्या हो जाएगा, इट, यहाँ पे भी इट, इट इज अ डक, ये एक बत्तख है। अब ये सिंगर है तो क्या लिख देंगे, ही इज अ सिंगर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये जेंट्स है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, ही इज अ सिंगर, तो कर लेंगे अब आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद आई ही, ओ आई शी ही दे वी एंड इट। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स इन्हीं लफ्ज़ों से भरने हैं, ठीक। चलिए तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि इसे हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे एडिट करने की जगह मिली नहीं है, और यहाँ अगर मैं आपको बताऊँगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं आंसर। देखिए अब पहले क्या आ जाएगा, आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ, आई हैव अ ब्रदर नेम्ड रवि, और मेरा एक भाई है जिसका नाम है रवि। रोहित ड्राइव्स अ कार, रोहित एक कार चला रहा है। ही ड्राइव इट्स वेरी फास्ट, वो इसको बहुत तेज चलाता है। दीपा इज़ माई नेबर, दीपा मेरी पड़ोसी है। शी वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, जो बड़े होके एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। इसके बाद लिखेंगे रिया एंड पिया आर सिस्टर्स, रिया और पिया जो हैं वो दोनों सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। दे गो टू द सेम स्कूल, वो दोनों हमेशा साथ में स्कूल, वो सॉरी एक स्कूल में जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, टिया सुनील एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यानी टिया सुनील और मैं, हम तीनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, है ना। वी ऑलवेज स्टडी टुगेदर, और हम हमेशा साथ में ही पढ़ाई करते हैं। तो चलिए इस तरह से आप लोग ये फिलअप्स भी लिख लेंगे। आज की वर्कशीट को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।